प्रदेश के अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी शांति मार्च और उपवास की अनुमति मांगी और अनुमति ना देने के संबंध में चेतावनी देते हुए खुद को गिरफ्तार कराने की धमकी दी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया का कहना है कि पिछली 12 जनवरी को अमरोहा नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला था, उसमें आपत्तिजनक नारे भी लगे थे। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन उसकी अनुमति दे सकता है तो हमारे शांति मार्च की अनुमति क्यों नहीं दे रहा। उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है और इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक अंदाज में कहा कि हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम जिला अधिकारी से ही पूछना चाहते हैं कि जब हम उन्हें अनुमति दी तो हमें अनुमति क्यों नहीं दे रहे, जबकि हम लोग शांति से मार्च करना चाहते हैं। हम लोग अहिंसावादी लोग हैं और हम लोग कोई बवाल नहीं चाहते। उन्होंने बोला कि हम जिला अधिकारी के आने तक यहाँ बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको अनुमति क्यों नहीं दी जा रही और हमें क्यों नहीं दी गई और उन्हें क्यों दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर हमें अनुमति नहीं दी जाएगी तो हम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। किस बात को लेकर क्या आज हमने 17/1/2020 को जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी अमरोहा ने सीए के विरुद्ध शहर में नगर पालिका से तहसील गेट तक अमर मार्च निकालने की परमिशन जिला प्रशासन से मांगी। उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। हमारी परमिशन को सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर खारिज कर दिया सरकार के इशारे पे। हम ये बात डीएम साहब से, कप्तान साहब से, इस धरने के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछने आए हैं कि अभी 12 तारीख को जो बीजेपी का जुलूस इस शहर में निकला उसकी परमिशन आप लोगों ने किस आधार पर दे दी। उन्होंने जुलूस निकाला, हम अमन मार्च निकालना चाहते थे। उस जुलूस में जो अमर्यादित नारे लगे, भड़काऊ नारे लगे, शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ अभी तक कोई जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है, इसलिए हम यह धरने पर बैठे हैं। और ये धरना हमारा विरोध सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, देश की जनता का और विपक्षी पार्टियों का संवैधानिक अधिकार है, उससे हमें ये सरकार और ये प्रशासन वंचित नहीं कर सकता। हम सड़कों पे उतरेंगे, इस कानून का विरोध करेंगे और जब तक इस कानून को सरकार वापस नहीं लेती है, रद्द नहीं करती है, तो हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। हम आम आदमी की आवाज़ को उठाते रहेंगे और सरकार की जुल्म करने वाली और हिटलर साहिब तानाशाही नीतियों के विरुद्ध हमेशा संघर्षशील रहेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को इस तरह किसी भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। सरकार आती है और जाती है, कभी उनकी थी कभी हमारी है, पर सरकार ने जिस तरह से हमारी प्रशासन की परमिशन को खारिज किया है, ये घोर निंदी है। ये कृत्य प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। हम शांति मार्च निकाल लेते, उन्होंने इतना बड़ा जुलूस निकाला उसकी परमिशन इन्होंने दे दी। हमने उपवास करने की परमिशन मांगी 3 तारीख को, हमें उपवास करने की परमिशन भी नहीं दी। हम उपवास में सिर्फ गांधी मूर्ति पे उपवास करना चाहते थे इस कानून के विरुद्ध में, शांतिपूर्वक कानून व्यवस्था के तहत, हमें उसकी परमिशन नहीं दी। मुझे और मेरे शहर अध्यक्ष को घरों में कैद कर लिया गया, मेरे तमाम वरिष्ठ नेता को, सलीम खान साहब को, निराले अंसारी जी को घरों में नजरबंद कर दिया गया और हमारे एक प्रदेश सचिव को गांधी मूर्ति से जबरदस्ती उठाकर पुलिस ने कोतवाली ले गई, वहां से उनको एसडीएम के यहाँ चालान कर दिया, 75 लाख के बॉन्ड पे उनको छोड़ा गया। और ऐसा देश में कौन सा कानून है कि 144 एक आदमी की से टूटती है। पता नहीं क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या देश संदेश देना चाहते हैं। देश में महंगाई का मुद्दा था, प्याज का मुद्दा था, जीडीपी का मुद्दा था, महंगाई का था, अर्थव्यवस्था का था, भारी के आंतरिक सुरक्षा का था, उस मुद्दों का ध्यान बांटने के लिए देश का इन्होंने ये कानून लेके आए ताकि लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ने को लग जाए और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए, यही चाहते हैं। पर ये गांधी का देश है, नथुराम गोडसे का देश नहीं है, सावरकर का देश नहीं है। हम गांधीवादी हैं और अहिंसा में विश्वास नहीं, हिंसा में विश्वास नहीं रखते, अहिंसावादी। तो ये आपका जो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, ये कब तक बैठे रहेंगे? क्या देखिए, हम माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच आएंगे, हमारी बात सुनेंगे और हमें ये बात का जवाब देंगे कि उनको परमिशन क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी। और दूसरी बात,
हमारा ये मांग है कि हमें भी शांति मार्च निकालने की परमिशन दी जाए और नहीं वरना हमें गिरफ्तार कर दिया जाए। हम जब तक यहाँ से JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।